दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। जैसे कि सेकंड ग्रेड के लिए अपन ने ये क्लास स्टार्ट की है, कल की पीछे जो क्लास हुई है उसमें हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड है टीचिंग मेथड इंग्लिश के, ये आपके सेकंड ग्रेड में तो उपयोगी है, ये आगे आने वाले रीट भर्ती परीक्षा के लिए भी आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। तो जानते हैं आइए डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड जो है इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट माना जाता है, कि जहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग की मदद से पढ़ाया जाता है, वहीं डायरेक्ट मेथड में सीधा टारगेट लैंग्वेज की बात की जाती है। तो दोस्तों डायरेक्ट लैंग्वेज की बात की जाती है, टारगेट लैंग्वेज जिसको हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि ये पहला फैक्ट क्या कहता है, पहला फैक्ट कहता है कि जो डायरेक्ट मेथड है इसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं या रिफ्रेन मेथड भी कहते हैं। रिफ्रेन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ नहीं। अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए ये उपयोगी हुआ नहीं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए उपयोगी हुआ नहीं, खासतौर पर इंग्लिश के लिए। तो इसलिए उस मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी, इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी। और वहाँ जहाँ पर मदर टंग की मदद ज़्यादा ली जाती थी तो टारगेट लैंग्वेज बच्चा सीख नहीं पाता था, इसलिए इस मेथड की ज़रूरत पड़ी और ये मेथड प्रचलन में आया। इस मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं और इसको हम रिफ्रेन मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड की उत्पत्ति जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी 1901। दिस मेथड इज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1901। फ्रांस में 1901 में इस मेथड की उत्पत्ति मानी जाती है। फ्रॉम जर्मनी केम्स इट्स प्रिंसिपल, जर्मनी से इस नियम के जो, इस मेथड के जो हैं वो प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, इसके सिद्धांत जो है ना इस मेथड के, वो जर्मनी से लिए गए हैं और उत्पत्ति इसकी फ्रांस में 1901 में मानी जाती है। दिस मेथड वाज अप्रूव्ड एंड स्पेयर्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस, जिसको हम आईपीए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम इसको, आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन जो है, किसी वर्ड का सही उच्चारण क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, ये आईपीए तय करता है। तो इस मेथड को अप्रूव किया गया था और फैलाया गया था, अप्रूव भी किया गया था और स्प्रेड भी किया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस के द्वारा, क्योंकि ये फ्रांस में ही इस मेथड की उत्पत्ति हुई थी 1901 में। और इट इज बेस्ड ऑन फिलोसफी, ये फिलोसफी यानी कि दर्शन पर जो है आधारित मेथड है। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, यहां पर यूनिट जो है ना स्पीच की वो सेंटेंस है, जबकि जो आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था वहां पर वर्ड जो है यूनिट ऑफ स्पीच माना जाता है। तो ये चीजें जो है छांट छांट कर लिखी गई है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो चीजें आपके लिए मेथड से रिलेटेड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते भी हैं और बने भी हैं और बनते भी हैं। आगे हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे इन सभी मेथड की, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि किस एग्जाम में कब कब कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट जो होती है स्पीच की वो वर्ड होती है, यहां पर जो है वो सेंटेंस है। तो दो तीन बातें आपको समझ में आ गई कि इस मेथड को कहते क्या है, नेचुरल मेथड भी कहते हैं, रिफ्रेन मेथड भी कहते हैं। इस मेथड की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी, कब हुई थी, 1901 में हुई थी, जर्मनी से जो है इसके सिद्धांत लिए गए थे, और ये मेथड जो है अप्रूव्ड और स्प्रेड बाय किसके द्वारा हुआ था, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस के द्वारा हुआ था। ये फिलोसफी पर आधारित है, अर्थात दर्शन पर आधारित है, और इस मेथड में सेंटेंस की यूनिट जो है, यूनिट ऑफ स्पीच जो है वो सेंटेंस मानी जाती है, जहां की, जहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ स्पीच जो थी वो वर्ड थी। उसके बाद हम बात करेंगे इस मेथड की डेफिनेशन की, कि इस मेथड की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है। इफ वी टीच इंग्लिश बाय मेकिंग, इफ वी टीच इंग्लिश बाय मेकिंग एसोसिएशन बिटवीन वर्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर विदाउट हेल्प ऑफ द मदर टंग, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर इस चीज को फोकस करें आप, विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, जहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जीटीएम में इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग की हेल्प ली जाती थी, बट जिस मेथड में
टारगेट लैंग्वेज को जो है सिखाया जाता है बिना मदर टंग की सहायता के, उस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। मतलब डायरेक्ट जो इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात की जाती है, इसमें डायरेक्ट मेथड इसी को कहते हैं। मदर टंग की कोई सहायता नहीं ली जाती है, जहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग की सहायता ली जाती है। तो ऐसा मेथड जहां विदाउट हेल्प ऑफ द मदर टंग, जहां मदर टंग की हेल्प के बिना चीजें सिखाई जाती हैं, उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं आम भाषा में। अब इस मेथड की विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इस मेथड की, ये ज़्यादा बड़ा मेथड नहीं है, तो छोटा सा ही है ये मेथड। तो इसमें विशेषताएं क्या हैं, आपने बस सिर्फ इसकी विशेषताएं पढ़नी है, इसके लाभ क्या हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ने हैं। तो विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि दिस मेथड लेज एम्फेसिस, ये मेथड जोर देता है किस पर, ओरल अप्रोच पर जोर देता है। कल अपने बात कर रहे थे कि LSRW, ये लैंग्वेज के चार एस्पेक्ट होते हैं, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जहां जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर जोर देता था, लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर नहीं देता है, तो ये जो मेथड है वो ओरल अप्रोच पर जोर देता है। ओरल अप्रोच पर मतलब सुनने पर और बोलने पर जोर देता है। एंड दिस हेल्प्स टू प्रमोट फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इससे क्या है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच होती है, धारा प्रवाहिता जो है बच्चे के अंदर आती है फॉरेन लैंग्वेज को बोलने के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स बिगिन टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। इसमें मदर टंग की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए बच्चा सीधा ही जो है अंग्रेजी में सोचना शुरू करता है, हिंदी में पहले सेंटेंस को नहीं सोचता कि मेरे को इंग्लिश बोलनी है, तो पहले वो हिंदी में सोचे फिर इंग्लिश में बोले, वहाँ सारी गड़बड़ हो जाती है। इसमें जो है सीधा बच्चा इंग्लिश में ही सोचता है और इंग्लिश में ही बोलता है, क्योंकि मदर टंग की इसमें कोई सहायता नहीं ली जाती है, और यहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग इन दो एस्पेक्ट पर जोर दिया जाता है, इसलिए हिंदी में सोचने या मदर टंग में सोचने की उसको आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट बच्चा जो है टारगेट लैंग्वेज के बारे में सोचता है, मतलब जिस भाषा को वो सीख रहा है उसी को सोचता है और उसी में बोलता है। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि दिस मेथड इज यूजफुल इन टीचिंग करेक्ट प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन मतलब उच्चारण, कि सही उच्चारण सीखने में ये मेथड जो है वो मदद करता है ऑफ वर्ड्स, बिकॉज इट लेस इम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, क्योंकि ये ओरल अप्रोच पर जोर देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है, तो बच्चे का प्रोनंसिएशन भी ठीक होता है। और तीसरी विशेषता इसकी ये है कि स्टूडेंट्स कन्वर्स विथ वन अनदर इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कहते हैं, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जिसको वो सीखना चाह रहा है वो उसकी टारगेट लैंग्वेज है, उसमें ही कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स करते हैं मतलब बातचीत करते हैं एक दूसरे से, वो टारगेट लैंग्वेज में ही करते हैं, ऐसे नहीं कि वो अपने हिंदी की सहायता से अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। चौथे विशेषता की बात करें, दिस मेथड इंक्रीज द स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ हियर एक्यूरेटली, टू अंडरस्टैंड स्विफ्टली, टू रिकॉल इमिडिएटली एंड टू स्पीक प्रॉम्प्टली। तो ये मेथड जो रहता है ना, ये इंक्रीज करता है बच्चे के अंदर क्या करता है, कैपेसिटी ऑफ हीरिंग एक्यूरेटली, मतलब सही सुनने की कैपेसिटी को विकसित करता है, टू अंडरस्टैंड स्विफ्टली, तेजी से समझने की क्षमता को विकसित करता है, टू रिकॉल इमिडिएटली और जल्दी से तुरंत याद करने की जो है क्षमता को विकसित करता है, और तुरंत बोलने की क्षमता को जो है विकसित करता है। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। आगे और बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये कुछ और विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 5, दिस मेथड जनरेट सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। इस मेथड में चूंकि मदर टंग की कोई सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। बच्चा पहले हिंदी में सोचता नहीं है, सीधा इंग्लिश में सोचता है और इंग्लिश ही बोलता है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चे में बढ़ जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है जनरेट होता है वो डायरेक्ट मेथड से। छठे पॉइंट की बात करें तो इन दिस मेथड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स आर यूज एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लेन द मीनिंग। ऑडियो विजुअल जो है सहायक सामग्री की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, जो प्रोजेक्टर वगैरह स्कूलों में होते हैं या डिजिटल बोर्ड जो होते हैं, ये सारी चीज़ों की जो है इसको ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है इस मेथड में। इन दिस मेथड मदर टंग इज नॉट अलाउड, जो बच्चे की मातृभाषा है उसको अलाउड नहीं किया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। और आठवां पॉइंट है, इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट इंडिक्टिवली, डिडक्टिवली और इंडक्टिवली जो तरीके होते हैं इंग्लिश को सीखने के, किसी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के, तो यहाँ पर जो ग्रामर जो है वो पढ़ाई जाती है इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली नहीं पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये थी इसकी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं आगे बात करते हैं
इसके मेरिट्स क्या है, इस मेथड के लाभ क्या है। सबसे पहले लाभ की बात करें तो लाभ में पहला लाभ ये है इसमें कि दिस मेथड मेक्स पुपिल टू थिंक इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश में ही सोचता है, इंग्लिश के बारे में ही बच्चा सोचता है, हिंदी की कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, कहीं कोई जगह नहीं होती है। सिर्फ पुपिल्स, पुपिल्स किसको कहा जाता है, कोई भी स्टूडेंट सीखने वाला लर्नर जो होता है उसको पुपिल्स कहते हैं। तो दिस मेथड मेक्स पुपिल्स टू थिंक इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में सोचने को मजबूर करता है ये मेथड। और दूसरा है दिस मेथड इनेबल्स पुपिल्स यानी कि स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस दियर थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ इंग्लिश विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ हिज मदर टंग। यानी कि ये मेथड जो है स्टूडेंट्स को इनेबल करता है, स्टूडेंट्स को योग्य बनाता है कि वो सीधे डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें और इंग्लिश में बोलें, बीच में मदर टंग की जो है कोई किसी टाइप की सहायता नहीं ली जाती है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो दिस मेथड इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट इज फुल ऑफ एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी से भरपूर मेथड है इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जहां ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डल होता है क्योंकि वहां टीचर का ही रोल है सब कुछ, टीचर ग्रामर के रूल बताता है फिर ट्रांसलेशन करता है, बच्चे जो है पैसिव लिसनर बने रहते हैं उसमें। तो यहां पर एक्टिविटीज बहुत होती हैं, बच्चा इंटरेस्ट लेता है और बच्चा जल्दी से सीख जाता है। जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहां पर डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाया जाता है, टीचर भी जिस चीज को पढ़ा रहा है वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी या मदर टंग की कोई सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए एक्टिविटी से भरपूर होता है ये मेथड, इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी होता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इन दिस मेथड एबिलिटीज ऑफ रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आर डेवलप्ड ऑल्दो नॉट इक्वली। हालांकि इसमें ये कह सकते हैं कि LSRW जो है, LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चारों बराबर मात्रा में जो है बच्चे को स्ट्रेस इन चारों पर एक साथ नहीं दिया जाता है, ज़्यादा जोर जो है लिसनिंग और स्पीकिंग पर दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग पर कम दिया जाता है जोर इस मेथड में, जबकि रीडिंग और राइटिंग में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ज़्यादा जोर दिया जाता है। और फिर है बाय दिस मेथड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिकम ईजियर, अंग्रेजी समझना इस मेथड के द्वारा आसान हो जाता है। और छठा पॉइंट क्या है कि दिस मेथड नॉट ओनली मेक्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर ईजी इजी बट ऑल्सो डेवलप्स इंटरेस्ट फॉर इट। इस मेथड से जो है लिटरेचर को समझना आसान ही नहीं हो जाता बल्कि बालक जो है उसमें इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर देता है, बच्चों के अंदर जो है इंटरेस्ट भी आ जाता है और लिटरेचर साहित्य जैसा विषय जो है पढ़ना उनके लिए आसान भी हो जाता है। ये सारे मेथड के मेरिट्स हैं यानी कि लाभ हैं यानी कि एडवांटेजेस हैं। अब डीमेरिट्स क्या हैं, इस मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं, दोष क्या हैं। सबसे पहला दोष तो ये है कि दिस मेथड इम्फेसिस ओरल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग विद द रिजल्ट दैट द रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स आर रिमेन अनडेवलप्ड। बार बार दोस्तों मैं इसकी बात कर ही रहा हूँ, LSRW में ये सिर्फ LS की बात करता है, लिसनिंग और स्पीकिंग की, रीडिंग और राइटिंग की बात नहीं करता है। तो रीडिंग और राइटिंग जो है बच्चों की इस मेथड के द्वारा थोड़ी कमजोर हो जाती है, रीडिंग भी कमजोर हो जाती है, राइटिंग भी कमजोर हो जाती है, लिसनिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी ठीक रहती है। और दूसरा है इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है एंड टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉस्टली टीचिंग एड्स। जैसे कि अपन बात कर रहे थे ना प्रोजेक्टर डिजिटल बोर्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें टीचिंग एड्स इसमें चाहिए होती हैं कॉस्टली, और ये सभी स्कूलों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इनकी व्यवस्था कर सकें। विच बी कम्स डिफिकल्ट टू अरेंज टू स्कूल दैट आर फाइनेंशली स्क्वीड, स्क्वीड मतलब दबे हुए, जो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से जो दबे हुए स्कूल है ना वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को सही से इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा पाते हैं, ये इसका डिमेरिट्स है, दोष है। और इन ओवर क्राउडेड क्लासेस इट कैन नॉट बी इफेक्टिवली यूज्ड, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ओवर क्राउडेड क्लासों में भी अच्छा उपयोग में लिया जाता है, उससे अच्छा पढ़ाया जा सकता है, बट ओवर क्राउडेड क्लासेस जो है वो इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इसका डीमेरिट है, ओवर क्राउडेड क्लासेस में जो है इनको इफेक्टिवली इस मेथड का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन कैन नॉट बी पेड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत जो है ना ध्यान नहीं दिया जाता है ओवर क्राउडेड क्लासेस में, इसलिए ओवर क्राउडेड क्लासेस में ये मेथड उपयोगी नहीं है, ये भी इसका ड्रॉबैक है, डीमेरिट्स है।
चौथे पॉइंट की बात करें कि इन इंडिया वी डू नॉट हैव इनफ कॉम्पिटेंट टीचर्स हु कैन टीच इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड, और भारत में इतने दक्ष जो हैं शिक्षक नहीं है जो इस मेथड के माध्यम से पढ़ाएं। दोस्तों मतलब ये मेथड ऐसा बोल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि भारत में इतने दक्ष टीचर नहीं है। आजकल जो है ज़माना चेंज हो चुका है, ये पहले की बात है कि इतने दक्ष नहीं है। आजकल जो है टीचर अच्छे से दक्ष भी हो चुके हैं, ये पहले की बात है। इस पॉइंट को जो है ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर सकते हैं अपने, जहाँ सरकारी स्कूलों में कहीं कहीं जो लोग हैं वो इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है ये कह सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, कुछ इक्का दुक्का लोगों की बात करें अपने उनकी बात करें तो वो दक्ष नहीं है। बाकी आजकल नई जनरेशन आ रही है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट वगैरह सभी में सेलेक्ट होकर नए लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए हैं, वो एकदम दक्ष हैं। तो इस पॉइंट के समर्थन में मैं नहीं हूँ, बट ये कहता है कि इन इंडिया वी डू नॉट हैव इनफ कॉम्पिटेंट टीचर्स हु कैन टीच इंग्लिश थ्रू डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड से पढ़ाने में सक्षम नहीं है, दक्ष नहीं है। मैं इस पॉइंट का विरोध करता हूं, बट अपने को एग्जाम की दृष्टि से इसको यहां देखना है। दिस मेथड इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स। ऊपर अपन बात कर ही रहे थे कि रीडिंग और राइटिंग एस्पेक्ट के ये जो है नेगलेक्ट करता है ये मेथड। पांचवा पॉइंट कह रहा है दिस मेथड इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो कि इसका ड्रॉबैक है, जो कि इसका डिमेरिट है। छठे पॉइंट की बात करें तो ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली इन दिस मेथड। ग्रामर जो है ना व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ाई जाती है इस मेथड में, ये भी इसका ड्रॉबैक है। और सातवां पॉइंट ये कहता है कि दिस मेथड स्ट्रेस ऑन ओरल ओरल मतलब सुनने और बोलने से संबंधित ही है, क्योंकि LSRW में लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करता है ये। लिसनिंग कान से होती है और स्पीकिंग मुख से होता है, इसलिए ओरल ओरल जो अपील है वो इसमें उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। और फिर आठवें, ओनली द क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाय दिस मेथड, ये जो चालाक स्टूडेंट है, थोड़ा बुद्धिमान स्टूडेंट है, वही इस मेथड का प्रॉफिट ले सकता है। तो दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये डायरेक्ट मेथड था, और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये टीचिंग मेथड में हमने ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड को कंप्लीट कर लिया है। डायरेक्ट मेथड और ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड दोनों जो हैं ये ओल्ड मेथड हैं, और कल से हम न्यू मेथड्स की भी बात करेंगे। टोटल अपने को पांच मेथड पढ़ने हैं, तो दो मेथड हो चुके हैं हमारे, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, और जैसे कि हम मेथड्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। ओल्ड मेथड में ये दो ही थे, ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब कल से हम न्यू मेथड्स की बात करेंगे, डॉक्टर वेस्ट का मेथड है जो उसकी बात करेंगे। तो तीन नए मेथड जो हैं न्यू मेथड, उनकी बात अपने अगली क्लासेस में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को भेजें जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबका फायदा हो जाए। सबके फायदे में ही हमारा फायदा भी है दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।